सीएमओ करनाल को 2-3 दिन से सूचना मिल रही थी कि कोई यहाँ पे करनाल में बंदा है जो यूपी में टेस्ट कराता है। तो हमने एक हमें एक इन्फॉर्मर ने ये बताया था और फिर हमने एक डेकॉय तैयार किया, डेकॉय को इसके पास भेजा तो इनकी 35,000 रुपये में सेटिंग हो गई। और ये कल शाम को हुआ था, 35,000 रुपये इसने ले लिए उससे डेकॉय से और बोला कि मैं कल सवेरे कराऊँगा। कल सुबह कल शाम को भी हमारी टीम्स तैयार थी और आज सुबह से भी 5 बजे से हमारी सारी टीम्स तैयार थी कि ये नहीं पता था कि कितने बजे कराना है, कहाँ कराना है। तो 6:30-7 बजे इसका डेकॉय को फ़ोन आता है कि मैं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर मिलूँगा। और दो लोग थे ये हमारा डेकॉय और उसके साथ, ये दोनों वहाँ पे इसको गवर्नमेंट कॉलेज में मिले। एक यूपी से गाड़ी आई है जिसका नंबर भी है हमारे पास, उस यौन गाड़ी थी और वहाँ पे उस इन दोनों को बिठा के ये भीड़ की तरफ ले गए पहले। तो हमें लगा कि शायद भीड़ में क्या कहीं आसपास कहीं और होना है, लेकिन वहाँ से ये सीधा यूपी ले गए। यूपी में ननौता गांव से हमने साइबर सेल की हेल्प से, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं था, साइबर सेल की हेल्प से हमने इनको चेस किया है। तो ये वहाँ से गाड़ी इन्होंने चेंज कर ली ननौता में राधा स्वामी सत्संग घर से किसी और गाड़ी में, वहाँ से बिठा के और वहाँ से फिर जो डिकॉय थी उसको सिर्फ मोटरसाइकिल पर बिठा के अकेले ले गया और वहाँ अल्ट्रासाउंड कराया, वापस उसी गाड़ी में छोड़ा। और फिर ये वापस जब आ रहे थे तो साइबर सेल की हेल्प से हमने इनको चेस करके इनको पकड़ा। तो क्या कार्रवाई की जा रही है आगे? बस अब हम करा रहे हैं यहाँ पे एफआईआर। कितने लोगों को पकड़ा है? 3 लोगों को। कहाँ कहाँ के डॉक्टर हैं, क्या क्या एक तो यहाँ पे हैं स्वास्तिक हॉस्पिटल में कोई ओटीए है नदीम जिससे सारी बात हुई थी और दो और हैं उनका नाम मैंने अभी पूछा। ये क्या है, डॉक्टर हैं, कंपाउंडर हैं या ओटीए हैं कोई? नदीम है जो स्वास्तिक हॉस्पिटल।